निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित राज्य है, भले ही हम कहें कि लगातार संख्या कम हो रही है। कांग्रेस सरकार ने भी कहा है कि लगभग 600 गांव नक्सल प्रभावित मुक्त हो गए। भाजपा के केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री आते हैं अमित शाह, तो भाजपा के वरिष्ठ नेता, देश के गृह मंत्री, वो कहते हैं कि 52% नक्सली घटना में कम हुई है। लेकिन अभी आईजी ने इस मामले में सिर्फ इतना कहा है कि नक्सली घटना की संभावना व्यक्त की, अभी और भी कारण हो सकते हैं, वो जांच का विषय है। लेकिन इसमें अब देखेंगे, चुनाव के समय राजनीतिक दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए, जो छत्तीसगढ़ का इतिहास कहता है। इसी 2013 में चुनाव के पहले झीरम कांड हो जाता है, झीरम कांड में कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता खत्म हो जाते हैं। उस समय आप देखेंगे तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार और राज्य में भाजपा की सरकार। और 2018 में जो भीमा मंडावी विधायक चुने जाते हैं दंतेवाड़ा से, 2019 में उनकी हत्या हो जाती है। उसके बाद अब देखेंगे कि अभी जो घटना हो रही है, तो राज्य में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। भाजपा कार्यकर्ताओं की निश्चित रूप से दंतेवाड़ा में भी, बीजापुर में भी, नारायणपुर में भी तीन अलग घटनाएं अमित शाह के जगदलपुर दौरे के समय हुई थी। और अभी जो घटना हुई है इसको भी देखेंगे, पूरा एक भय का वातावरण बनाने की एक कोशिश होती है, लोकतंत्र विरोधी गतिविधियां उनकी रहती है। अपन मेरा कहना है कि कांग्रेस और भाजपा के आरोप प्रत्यारोप में वास्तविक आरोपी कहीं बच ना जाए, और नक्सली घटनाक्रम को, नक्सली हिंसा को हम कम करके ना आके। मेरा सिर्फ ये कहना है कि पूरे मामले में आप देखेंगे तो झीरम कांड के वो पूरी जांच रिपोर्ट, आयोग, न्यायिक आयोग की बात करें, एनआईए जांच की बात करें, एसआईटी की बात करें, पुलिस की बात करें, न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट जो आता आ गया राजभवन, फिर राजभवन से सरकार के पास पहुंच गया, उस पर चलते हुए सामने बात ना आना, उसके बाद हाईकोर्ट, तमाम प्रकार की जो राजनीतिक गतिविधियां होती है, नेता प्रतिपक्ष हुए, हाईकोर्ट चले जाते हैं, तो इस प्रकार से जो राजनीति हो रही है, मुझे लगता है कि नक्सली को जो पूरी तरह समाप्त करने की बात कही जा रही है, लोकतंत्र में उसका विश्वास नहीं है, ये तय है। इससे निश्चित रूप से चुनाव प्रचार प्रभावित होता है, इस प्रकार की घटनाएं चुनाव के समय होती है, और इसके साथ ही मतदान का प्रतिशत भी कम हो सकता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। 2009 में एक बार कभी तो कांग्रेस भाजपा दोनों बार झीरम कांड, और आज की स्थिति में देखें तो केंद्र और राज्य में अलग अलग दल की सरकार। 2009 में यहीं पे 2008 में चुनाव हारे इसी मोहला मानपुर से दरबार सिंह, उनकी हत्या हो जाती है, नक्सली उसके घर में जाते हैं, उसके बाद दरबार सिंह की हत्या कर दी जाती है, इस प्रत्याशी की, भाजपा के, तो उस समय भाजपा की